एक दिन की अनुपस्थिति लगाने के विरोध में सैकड़ों की तादाद में शहरी मनरेगा मजदूरों ने कलेक्ट्रेट का यहां पर घेराव किया है। शहर के सिरे मंदिर नाड़ी के, आपको बता दें कि नाड़ी में काम करने वाली शहरी मनरेगा मजदूर काम जो है वो बंद करके कलेक्ट्रेट पहुंच गई। जमकर यहां पर नारेबाजी की गई, तो वहीं इसके साथ ही महिलाओं ने काम करने के समय में बदलाव की मांग की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल और इसके साथ ही आयुक्त महिपाल सिंह ने मजदूरों से समझाइश करके मामले को शांत करवाया है और इसके बाद आयुक्त महिपाल सिंह ने एक दिन के लिए सभी को काम करने से काम से छुट्टी दे दी है और सुबह का जो समय है वो 9 बजे से करने का आश्वासन दिया है। उधर सभी महिलाएं वापस चली गई, लेकिन जिला कलेक्टर के पहुंचते ही वापस नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से मिलने की मांग करते हुए दोबारा कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया गया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और महिला कांस्टेबल्स ने महिलाओं से ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महिलाओं को वहां से हटाया और मजदूरों को यहां पर कहना है कि पूरे 8 घंटे काम करने के बावजूद हम सब की एक दिन की अनुपस्थिति लगा दी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहरी मनरेगा में जो महिलाएं यहां पर कार्य कर रही हैं उनकी अनुपस्थिति एक दिन की लगा दी गई। अब ऐसे में नाराज महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और समय में बदलाव की मांग की जा रही है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।